की रफ्तारी न होने को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों में रोष, बुलाई बैठक, आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि आज मंगलवार को सिविल लाइन क्षेत्र के जिगर कॉलोनी छतरी वाले पार्क में भारतीय धर्म समाज भावदस से जुड़े लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में रोष जताते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े लोगों का आरोप है कि मुरादाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दलितों के साथ कई घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं से संबंधित थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में ही थाना सिविल लाइन क्षेत्र रेलवे कॉलोनी का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक मोनू के साथ पड़ोस में रहने वाले शिवम सक्सेना ने मारपीट की थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर तहरीर भी दी गई, लेकिन थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। थाना हजरत नगर गढ़ी का भी एक मामला सामने आया था, यहाँ पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं तीसरा मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र का सामने आया था, यहाँ पर भी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। भावदस के राष्ट्रीय संचालक रवि द्रविड़ ने बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन सभी मामलों में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की होगी। एक मिनट रोल। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि द्रविड़ है और मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय संचालक हूँ। द्रविड जी, किस संबंध में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या आंदोलन की चेतावनी? ये बड़ा गंभीर समस्या के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी तो हम संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि थाना सिविल लाइन में घटना हुई है। एक सीमा गुप्ता है कोई, एक शिवम सक्सेना है, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को घर से भागने पर मजबूर कर दिया, अपना घर छोड़े पड़े हैं और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक घटना हजरत थाना गढ़ी की घटना है, जहाँ पर वहाँ पर जाट समाज के लोगों ने जो पानी की व्यवस्था के तो नल सरकारी होते हैं उन तक से पानी नहीं भरने दिया। थाना कुलवाड़े की घटना है, वहाँ पे लड़की के साथ हत्या की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कैसी घटना है, दलित समाज के साथ वाल्मीकि समाज के साथ क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कोई सरकार का इशारा है या अधिकारी आँखें बंद करे पड़े हैं, कान में रूई लगाए बैठे हैं? क्योंकि समाज के लोग संगठन के द्वारा, ऐसा नहीं है कि थाने में सूचना नहीं गई है, सब में FIR दर्ज है, सूचित कर दिया था, लेकिन पुलिस जानबूझकर इसमें अनदेखी कर रही है। इस अनदेखी को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर हम गिरफ्तारियां नहीं हुई तो बहुत जल्दी हम मुरादाबाद कमिश्नरी घेरेंगे। मंडल भर के अंदर जितनी भी घटना हो रही, उत्पन्न हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हाथरस कांड की तरह मुरादाबाद में कैसी घटना घट जाए। मुझे लगता है प्रशासन चाहता है कि कोई घटना से घट जाए, लेकिन वाल्मीकि समाज ऐसा नहीं होने देगा। उससे पहले सड़कों पर उतर आएगा, जिसकी जिम्मेदारी मुरादाबाद के प्रशासन की होगी, शासन की होगी। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आंदोलन में जो भी उग्र आंदोलन हो, सड़कों पर उतरे, जैसा भी हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन को हम ज्ञापन के माध्यम से, तहरीर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से बता चुके हैं, ये लोग अनदेखा कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज को अनदेखा करने का अंजाम इनको भुगतना पड़ जाएगा।